शहर में चोरियों की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अज्ञात चोरों ने अब शहर की पौश कॉलोनियों को भी अपना निशाना बना लिया है। पौश कॉलोनियों में बढ़ती चोरी की वारदातों से शहरवासियों में भय व्याप्त है। ब्यावर शहर में मंगलवार अल सुबह आदर्श नगर गली संख्या 1 निवासी सेंट पॉल स्कूल के शिक्षक यशवंत खींची के मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया। हालांकि इस दौरान मकान मालिक की खटखट की आवाज सुनकर नींद खुल गई। नींद खुलते ही मकान मालिक घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकले तो चोर मौके से भाग छूटे। इस दौरान मौके पर एक कुल्हाड़ी तथा एक पेचकस मौके पर छोड़ गए। पीड़ित मकान मालिक ने संदर्भ में सिटी थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत दी। पीड़ित की शिकायत पर सिटी थाने के SI सुरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा मौके से कुल्हाड़ी तथा पेचकस को कब्जे में लिया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी लिए हैं। पीड़ित मकान मालिक यशवंत पुत्र मान सिंह खींची ने बताया कि शहर की पौश कॉलोनियों में बढ़ती चोरी की वारदातों से आमजन में भय का माहौल बन रहा है। खींची ने पुलिस प्रशासन से उक्त क्षेत्रों में रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था को बढ़ाने की मांग की है। रात्रि लगभग 1:30 टाइम पीरियड पर मुझे कुछ खटखट की आवाज सुनाई दी खिड़की में, तो मैंने जैसे ही बाहर निकल के देखना चाहा तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी। हॉल में जाके हॉल के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की तो वहाँ से भी कुंडी लगी हुई थी। मुझे थोड़ा शक हुआ कि जरूर कोई चोर वगैरह है, तो मेरा एक और रास्ता है पोर्च के, वहाँ से मैंने निकल के बाहर देखा जितनी देर में चोर वापस आके मैंने देखा तो खिड़की के अंदर को तोड़ने का प्रयास किया गया था। उसमें पेचकस वगैरह फंसाए हुए और दूसरे उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो फंसा रखे थे और पास में ही एक कुल्हाड़ी भी पड़ी थी। अब उसका ये मंशा पता नहीं कि चोरी करने के इरादे से आया था या और क्या मंशा थी। आदर्श नगर पौश कॉलोनी है, इस तरह की वारदात होती है तो थोड़ा सा भय हमारे अंदर। पुलिस से की मैंने अभी कंप्लेंट कराई है, वो आए हैं, मौका मुआयना करके गए हैं, सीसीटीवी कैमरेज वगैरह भी चेक हुए हैं, तो अब आश्वासन दे के गए हैं और बोल के गए हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। तो हमारे भी पुलिस वालों से भी यही अनुरोध है कि इस रात्रि की थोड़ी गश्त वगैरह जो है थोड़ी बढ़ा दी जाए।